विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। मैंने अभी तो आपको बताया ना कि कल रात मेरे सपने में मेरे गिरधर से मेरा ब्याह हुआ था। इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी भी ये बचपना है। नहीं साईसा, ये बचपना नहीं, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति है। बचपन से ही मैंने इन्हें अपना दूल्हा माना है, तो फिर मैं किसी और को अपना पति कैसे मान सकती हूँ, बताइए। ये कैसी मूर्खता की बात है मीरा, एक पत्थर की मूरत से कभी किसी का ब्याह कैसे हो सकता है? नहीं ताईसा, मेरे गिरधर गोपाल को पत्थर की मूरत मत कहिए, मेरे प्राण बसते हैं इनमें। अपनी पुत्री को समझाओ राव रतन सिंह, अन्यथा समूचा मारवाड़ हमारे परिवार का उपहास बनाएगा कि पहले स्वयं संबंध बनाया और अब तोड़ रहे हैं। मीरा बहुत बुद्धिमान और समझदार है भाई साहब, वो अपने दादाजी के परिवार के सम्मान पर कोई आज नहीं आने देगी। किंतु पिताजी, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ बिटिया, किंतु सत्य को स्वीकार करना भी आवश्यक है। कब तक भ्रम पाल कर रखोगी? जीवन गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं? भ्रम? कैसा भ्रम मां? जो सत्य है उसे आप लोग भ्रम मनवाने पर क्यों तुले हुए हैं? नहीं, ये संसार एक भ्रम है और सच है तो मेरे गिरधर गोपाल। मीरा भाई साहब, बहुत हुआ, प्रभु श्री कृष्ण से विवाह हुआ है, इसका भ्रम हम तुम्हें पालने नहीं देंगे। ये असंभव है, इसकी कल्पना भी असंभव है। नहीं ताऊसा, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही है, भले ही आपको आपको एक कितना भी असंभव लगता हो किंतु यही मेरा सच है। और ये इस जन्म का ही नहीं, मेरा और मेरे गिरधर का जन्मों जन्मों का नाता है। इसीलिए तो मेरे सपने में मेरे गिरधर गोपाल ने मुझे स्वीकारा है, ब्याह किया है मुझसे। चुप रहो मीरा, ऐसा बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। अब तुम्हारा विवाह ही तुम्हें सच्चाई के संसार में लाएगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। सपना सच नहीं होता मीरा। भले ही सपने में हुआ किंतु इस विवाह से बड़ा सत्य मेरे लिए और कुछ नहीं। और हाँ, आज एक और सत्य कह देती हूँ आप सबसे, सुन लीजिए आप सब। गिरधर गोपाल एक दिन अवश्य आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और आप सब देखते रह जाएंगे। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप, यहां तुम्हें शांत। शांत हो जाओ वीरनदेव। अब कोई मेरी मीरा से एक शब्द भी नहीं कहेगा। अब हो गए आप तैयार, अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी सा, बहुत ही चौखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा, और हमारी तैयारी को चार चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है,
ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला और ना ही आपका कोई संकेत। अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल, कुछ तो बताइए। हाँ भाभी सा, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज, सब होगा पर अपने समय पर। मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना? अब और प्रतीक्षा मत कराइए, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। ओहे लागी लगन गुरु चरणन, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागन। आस वही गुरु शरणन की, मेरे गिरधर को पाल पाल आपकी मीरा गुहार लगाती है। अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी सा, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहू रानी सा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ। ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ मुझे पता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।